हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम जा रहे हैं नुब्रा वैली की ओर, लेह से अराउंड 160 किलोमीटर है। ऑल पैकिंग, जितना भी नॉर्मल चीज़ें हैं वो पैक कर ली है बाइक के ऊपर। ये बाइक हमने खाली छोड़ी है, ऑलमोस्ट सारा सामान इस बाइक के ऊपर है, आप देख पा रहे होंगे। बाकी को राइडर तैयार हो चुके हैं, लेट्स सी। बाकी ऊपर मौसम बड़ा ख़राब है यार, आई होप कि हम आपको कुछ बारिश बर्फ़ दिखा पाएंगे। बाकी थोड़ी इशू कर रहा है गाड़ी में, बैटरी का इशू आ रहा है। जब भी रात में खड़ी करते हैं तो सुबह वो प्रॉपर स्टार्ट नहीं हो पा रही है, एक बार कुछ टाइम चलने के बाद ही स्टार्ट हो रही है। बाकी लेट्स सी अब तक क्या होता है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। तो गाइस, नुब्रा वैली जा रहे हैं अभी यार, और एक गूगल मैप के भरोसे तो है ना, मतलब गोल गोल घुमा दिया इसने। तो भाई मिले हैं अपन को, जो थोड़ा एस्कॉर्ट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि मैं आपको लेकर चलता हूँ बाहर तक, ताकि आप जो भी हाईवे है, क्योंकि पीछे जो है काफ़ी कच्चा रोड आ गया यार, और बाइक पे कच्चा रोड लेके आना मतलब ऐसे कोई इशू नहीं है। बाइक हिमालयन है, ऑफ रोडिंग के लिए बनी है, बट फिर भी एक सेफ्टी अपन लेके चलते हैं। कल को पंचर वंचर हो जाए, कुछ भी हो जाए, तो एटलीस्ट रोड तो होनी चाहिए। तो भाई बड़े हेल्पफुल हैं जो अपनी हेल्प कर रहे हैं, और यहाँ से हमें नुब्रा वैली के हाईवे लेके जा रहे हैं। बाकी इधर देखो मौसम एकदम भाई, मतलब मेरा मन बोल रहा है कि ऊपर स्नोफॉल मिलेगी। मैंने ग्लव्स नहीं पहने हैं, बट हाथ बहुत ठंडे हो रखे हैं। मैंने ऑल जितने भी लेयर होते हैं बाइकर जैकेट के अंदर वो सब पहन लिए हैं, ताकि अपना पूरा कवर रहे, बट फिर भी हल्का हल्का ठंड है वो फील हो रही है। तो हमने एक्स्ट्रा पहले ही जैकेट्स वगैरह कैरी कर रखी है, रेन कवर्स कैरी कर रखे हैं, ताकि इन द फ्यूचर ऊपर बारिश होती है या कुछ भी होता है तो उसमें हम हेल्प कर पाएँ। बाकी अभी चलते हैं नुब्रा वैली की ओर और आपको दिखाते हैं कुछ बहुत ही सुंदर नज़ारे। डे 5 है हमारा, और जब आप ये ब्लॉग देख रहे होंगे आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है कि थोड़ी आवाज़ में इशूज़ हो, बिकॉज यार मेरा माइक नहीं है, GoPro आगे लगा हुआ है, और ठंड इतनी है कि हेलमेट भी क्लोज किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ रिक्वायरमेंट होगा वहाँ वॉइस ओवर कर देंगे, ऐसा कोई इशू नहीं है। बट ठीक है, एटलीस्ट शॉट होने चाहिए जो कि हम ले रहे हैं। बाकी भाई बड़े काम कर रहे हैं मेहनत से, और बाहर निकल के मानेंगे यहाँ से। वो वाला जो ऊपर हाईवे जा रहा है ना, वो हाईवे है नुब्रा वैली के लिए, यहाँ से रोड जा रही है, बट हम कहाँ जाएंगे पता नहीं, देखते हैं। बाकी जैसा भाई बोलते हैं ठीक है। ये जो रोड जा रहा है ये नुब्रा वैली बना रही है, ठीक है। थोड़ा आगे जाके ना एक तकरीबन 200 मीटर जैसा उधर एक कफ आएगा, उधर से कच्चा रोड दिखाई देगा उधर, ठीक है। उधर जाओ भाई, फिर मेन रोड पकड़ो भाई उधर से। ओके भैया, शुक्रिया, थैंक यू। अपन उसी रोड पे आ गए दोबारा, 200 मीटर कच्चा रोड है जो उस रोड पे मिलेगा। हाँ मैं भी ये बोल रहा था, कच्चा रोड था, मैं ली नहीं गाड़ी। ये हो सकता है क्या रोड, वहाँ जाके वहाँ मिल तो रहा है, देख के आऊँ। तो गाइस ऑफ रोडिंग करनी पड़ ही रही है आखिरी में, ऐसा कुछ नहीं है कि हम निकल जाएंगे इजीली। लद्दाख है भाई, लद्दाख आए के ऑफ रोडिंग नहीं तो कैसे मज़ा आएगा, फिर देखते हैं। बाकी होपफुली रास्ता खुल जाए तो बढ़िया है यार, क्योंकि वी डोंट वांट कि कोई इशू हो और ऐसा कोई इशू आए। आ जा, पूरी बाकी ऑफ रोडिंग है, और आई थिंक आधा किलोमीटर का पैच होगा ये, जहाँ पे ऑफ रोडिंग करके हमें उस रोड पे जाना है। अदरवाइज़ क्या है ना, लास्ट टाइम भी ये रोड आया था, बट हमने ध्यान दिया ही नहीं कितना कच्चा रोड था, और ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं था कि यहाँ से वहाँ जाना है या कहीं और जाना है। सो हमने इस रोड को फॉलो नहीं करा, बट बताया भाई ने कि भाई यही रोड से जाना पड़ेगा आपको। सो जा रहे हैं, बाकी भाई लोग ऊपर जा ही रहे हैं, सो बन जाएगी कुछ ना कुछ बात। ऑफ रोडिंग वैसे अवॉइड करनी थी हमें, बट होता है ना जब कोई चांस ही नहीं है तो जो लिखा होता है वो करना ही पड़ता है, तो ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। बाकी मिलते हैं इस ऑफ रोड के बाद यार किसी हाईवे के ऊपर। आई थिंक यहाँ से अराउंड 50 किलोमीटर या अराउंड 45 किलोमीटर खारडूंगला पास है, जब वो पास आता है तब आपसे मिलते हैं, दिखाते हैं नज़ारे आपको। वैसे गाड़ी में उससे पहले फ्यूल अप कराना है। ये आ गया हमारा हाईवे, जो कि हम काफ़ी थकार के आए हैं हाईवे के ऊपर। सो लेट्स एन्जॉय द हाईवे नाउ, पक्की रोड फाइनली। ये पूरा
लेह सिटी का एंड पॉइंट है और हम जा रहे हैं नुब्रा की और बात उधर पहाड़ों पे जो मौसम हो रहा है ना भाई सब, यहाँ तो आपको दिख रहा होगा कि भाई एकदम क्लियर मौसम है या फिर अराउंड ऊपर मतलब है, अभी जैसे टर्न लेंगे तो ऊपर और क्लाउड गहरे हो रहे हैं, राइट एंड साइड के जो पहाड़ दिख रहे हैं मेरे को उन पे स्नो है प्लस वो ऑल पैक्ड है, मतलब होता है ना कि जो पीक्स होती है टॉप वो क्लाउड कवर कर लेते हैं वो सीन है, ऐसा ही जैसे अपन और टर्न लेंगे या और कुछ नज़ारे चेंज होंगे दिखाऊंगा मैं आपको, वहाँ पे भी अल्टीमेट व्यू आ रखा है यार, बाकी ठंड बहुत हो रही है, लग रहा है मेरे को अगर कोई पेट्रोल पंप मिल जाए तो बहुत ही बेस्ट है, अगर भाई रुकिए मुझे ग्लव्स सबसे पहले डालने होंगे क्योंकि हाथ जो है वो अभी गन्ना स्टक उड़ गए हैं, और आगे और ऊपर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम वैसे वैसे सर्दी और बढ़नी है, मे बी ऊपर बारिश हो स्नो हो तो इन सब के लिए पहले ही प्रिपेयर होकर चलना बिकॉज इन चीज़ों के ऊपर सावधानी इन जगहों के ऊपर सावधानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ पे जो सर्वाइवल स्किल है वो यही है कि आप सारे प्रिकॉशंस लेके चलें, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आप बोलो कि भाई संभाल लेंगे, नहीं यहाँ पे आसपास कुछ नहीं है और इन एरियाज हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर जब तबीयत ख़राब होती है या माउंटेन सिकनेस या कुछ भी सीन होता है तो वो बहुत जल्दी अपनी बॉडी को डाउन करता है, वहाँ आपको रिकवरी का मौका नहीं मिलेगा, आप केवल वीकनेस वही फील करेंगे एंड देन जब आप घर से बहुत दूर हो अपनी बाइक पर आए हुए हो आपको ये सारे व्हीकल्स आपको लेके जाने हो साथ में छोटे भाई आए हुए हों जिनका भी आपको कैरी करना है या आपको अपनी उनको हिम्मत नहीं है, इन सब चीज़ों के अंदर बहुत जरूरी है कि आप हिम्मत रखें और सारे प्रिकॉशन को लेकर फॉलो करें। लुक एट दैट व्यू गाइस यार, जितना भी टॉप है ना पूरा स्नो कवर्ड है और यहाँ हम रुक गए हैं स्ट्रक पे, कुछ मिट्टी पत्थर खाली हो रहे हैं, आई थिंक यहाँ पे कुछ एक दीवार बन रही है ताकि सेफ्टी रहे और ये रोड इन दैट फ्यूचर चौड़ी हो पाए, तो इसको भर के पत्थर मिट्टी ला के एक बेस बना रहे हैं ताकि जब कि इन दैट फ्यूचर ये छोटा सा कर्व है इसको और चौड़ा करके और सेफ्टी से अच्छा काम कर रहे हैं, और यार नज़ारे देखो वहाँ जो पैकिंग वाला सीन है वहाँ तो मतलब क्या बताऊँ, मेरे अकॉर्डिंग तो स्नोफॉल वहाँ हो रहा है और यहाँ पे ऊपर के जो पीक्स हैं शायद वो आपको अगर एकदम टॉप दिख रहा हो तो वीडियो के अंदर इस ब्राउन वाली वैली के जस्ट आगे वहाँ पे बहुत अच्छा चल रहा है, बाकी कुछ हमारे भाई साहब कुछ कह रहे हैं सुन लेते हैं बात इनकी, थोड़ा आगे लेना बैग तो नहीं हट रहा ना पीछे वाले, साइलेंसर से दिक्कत थोड़ी है, गर्म हो जाएगा देख ले अड़ेगा नीचे बेस है ऐसे तो नीचे वो बना हुआ है तो मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, आई थिंक सब नुब्रा जा रहे हैं या फिर पैंगोंग लेक, ऑल आर द बाइकर्स हियर, आप देख ही पा रहे हैं मतलब जितनी बाइक्स आगे हैं उससे ज़्यादा उतनी ही बाइक पीछे और हैं, ऑल बाइक्स 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 लेड अ बाइकर ट्रिप और अ बाइकर गैंग, ऑल आर द बाइकर्स साउथ कुल्लू 7 किलोमीटर फार, ऊपर मौसम बारिश या बर्फ का, वैसे यहाँ पे बारिश कम ही होती है ऑलमोस्ट जब भी होती है स्नोफॉल होता है, बाकी भाई लोग काम कर रहे हैं मेहनत से जी जान से, सही है सबका अपना वर्क है बट ये लाइक बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, सब हार्ड वर्क करते हैं, एक होता है स्मार्ट वर्क एक होता है हार्ड वर्क और आई थिंक ये हार्ड वर्क करते हैं, तो मिलते हैं थोड़े ब्रेक के बाद, बाकी एक जाम क्रॉस किया है, बाकी आप देखोगे तो लाइन से गाड़ियाँ खड़ी की है और जाम लगा हुआ ही है, बट एटलीस्ट बाइक होने का फ़ायदा उठाया और छोटी सी जगह के अंदर भी हम निकल गए, बाकी मिलते हैं आपको जल्दी खाडूंगा पास आपके ऊपर, खाडूंगा पास के ऊपर एंड सर वहाँ कुछ अच्छा वेदर होगा और ये पहाड़ थोड़े वाइट हो जाएंगे उम्मीद है, और देखते हैं क्या लिखा होता है किस्मत में, लुक एट दैट व्यू यार, मतलब ऑन द टॉप सारी दिख रही है पहाड़ियाँ लाइन से, टॉप जितने भी है सब स्नो पैक्ड है, और हाँ ढूंढला यहाँ से अराउंड 15 किलोमीटर भाई पूरा रेला चल रहा है रेला बाइक होगा, मतलब है ना अराउंड मेरे अराउंड मतलब जो मैंने देखा है अराउंड 100 बाइक्स मेरे आगे है, अराउंड 50 से 60 बाइक्स मेरे पीछे है, मतलब ओवरऑल देखा जाए ना, और जहाँ मैं पेट्रोल फिल कराया था वो कह रहे थे कि भाई मॉर्निंग के अंदर अराउंड 300 बाइक्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी है, तो भाई जो रेला चलने वाला है ना बाइकों का और ऑलमोस्ट जो बाइक्स है वो सारी हिमालयन ही है अपनी, क्योंकि पहाड़ों से आपको पता होगा कि हिमालय में चलती है और यही सब कुछ है, बाकी शुक्रिया भाई ने पास दिया और
पास में से हमें पास कर लिया। बाकी भाई नज़ारे को ऐसे हैं कि ये गाड़ी का देखो फर्स्ट अल्टीमेट। बाकी मिलते हैं आपको थोड़ी देर में, आई थिंक हाँ डूंगना हाइयर हाफ एन आवर में आ जाएगा, 10 to 14-15 मिनट तक है आई थिंक इस सारी चोटी के पीछे या फिर इस चोटी पे ही फाट होगा, क्योंकि हम सर वहाँ पे आपको स्नो दिखाने वाले हैं। फ्रेश स्नो होगी नहीं होगी आई डोंट नो, बट यस स्नो पैक माउंटेन्स जरूर दिख जाएंगे आपको। हल्की हल्की स्नो गिर रही है, देख रहा है हल्की हल्की स्नो गिर रही है, हल्की हल्की धुआं फील कर, पानी नहीं है स्नो है। दोस्तों अभी हम आ चुके हैं अराउंड थारडुंगला पास, एकदम आई थिंक यहाँ से मुश्किल से 5-6 किलोमीटर होगा। ऊपर आप वेदर देखो यार कंप्लीट ब्लैक हो रखा है, हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही है अभी, शायद रुक गई है पीछे वाले मोड़ पे हल्की हल्की स्नोफॉल हो रही थी, आई एम श्योर ऊपर बारिश या स्नो ज़रूर मिलेगी। तो अपन देखते हैं नज़ारे यहाँ से, और यार ठंड हो रही है बढ़िया, ऑफ रोडिंग चल रही है, ऑन रोड भी आ रहे हैं कुछ चीज़ें पैचेज हैं, जो पानी की क्रॉसिंग आ रही है ना भाई वो बहुत ही ज़्यादा ठंडी है, मतलब जैसे ही पैर जा रहा है उसके अंदर शूज़ वाटर प्रूफ होने के बाद भी है ना ठंडे हो रहे हैं भाई, मतलब पानी नहीं आ रहा अच्छी बात है, पानी आता तो भर ही जाते बट फुल ठंडे हो रहे हैं फुल ठंडे। बाकी नज़ारे देखो यार, ओ हो 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 लुक एट दैट व्यू यार, स्नो पैक थारडुंगला पास और हम जाते हुए, और लग रहा है कि स्नोफॉल मिल के रहेगा भाई जिस तरह से मौसम चल रहा है ना, आई होप स्नोफॉल मिल जाए आप लोगों को भी, मैं स्नोफॉल दिखा पाऊँ एक मौका मिलेगा दिखाने का। बाकी जो नज़ारे हैं वो बहुत ही अल्टीमेट है यार, बहुत ही ज़्यादा अल्टीमेट। बाकी आप देखो बहुत ही प्यारा मौसम हो रखा है, फेलो राइडर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं, बट यस जो क्रेज़ है ना यार लद्दाख बाइक राइड्स का, उसका आई थिंक कोई कंपेयर नहीं हो सकता। आई थिंक अभी आपको कुछ फील होगा कि लाइट लाइट स्नोट गिर रही है, इतनी हैवी नहीं है अभी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे हैवी होती जाएगी, बट यस जो है स्नो गिर रही है, आई डोंट नो आपको वीडियो में दिख रही है नहीं दिख रही, बट यस आई कैन फील इजीली कि स्नोफॉल हो रहा है एंड आई एम सो हैप्पी सो एक्साइटेड कि यहाँ स्नोफॉल देखने को मिल रहा है दोबारा। लाइक जब मैं लास्ट ईयर यहाँ पे आया था 2019 के अंदर, तब जो नीचे साउथ पोल पे एंट्री होती है जो चेकिंग पोस्ट है वहाँ पे भी कंप्लीट स्नो थी, और आप यहाँ से नज़ारे देखो यार कोई कैसे बच सकता है इन नज़ारों से, जस्ट अमेजिंग। यहाँ पे लाइट स्नो है, आगे वहाँ पे फुल स्नो पैक है, फुल स्नो पैक। बाकी आप नज़ारे देखो यार क्या बताऊँगा आपको, नज़ारों के तो मज़े हैं, नज़ारे देखने को तो मज़े आए हैं। बन रहा है क्या भाई कुछ वीडियो, वीडियो बना रहा है कुछ वीडियो, वीडियो बन रहा है नहीं बन रहा, बर्फ बर्फ का बनाओ भाई, नज़ारे हैं नज़ारे। रवि देव हो रही है स्नो, धुआं दिख रही है स्नो हल्की हल्की, शायद ऊपर मस्त मिले मज़ा है, हल्की हल्की गिर रही है इधर भी, साला रोड ही बवासीर है। हाँ तेरी नहीं मेरी तो चल रही है, तेरी नहीं चल रही, साला रोड ही बवासीर है। ए सरपंच भाई स्नो गिर रही है, मज़े आ रहे हैं, ठंड भी हो रही है, लेकिन यार जो स्नो का एक्साइटमेंट है ना मतलब वो सबसे भारी है। आप नज़ारे देखो यार पीछे से लेके आगे तक कम्प्लीटली पैक, और भाई ठीक ठाक स्नो गिरना स्टार्ट हो चुकी है, आई एम श्योर थारडुंगला टॉप पे स्नोफॉल अच्छा वाला मिलेगा आपको, क्योंकि आप ऊपर मौसम देख पा रहे होंगे कि भाई एकदम पैक हो रहा है एकदम, क्या बताएं आपको, सब नज़ारे ले रहे हैं, मतलब क्या नज़ारे हैं क्या बताएंगे, पता नहीं आपको इतना मज़ा आ रहा है नहीं आ रहा वीडियो देख के, बट यार जो लाइव मज़ा है ना बहुत ही प्यारा, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, बढ़िया है। जैकेट मेरी एकदम ठंडी हो चुकी है, तो लग रहा है रेन कवर डालना पड़ेगा इसके ऊपर ताकि अंदर की गर्माहट अंदर ही रहे, वहाँ चल जाओ रहना आगे देख के गाना की चेकिंग लग रही है क्या सीन है।
भाई बढ़िया आ रही है इसमें तो, बस स्नोफॉल हो रही है लाइव वीडू। मैं सोच रहा हूँ उसके डालू मैं आपको रेन वाला, क्योंकि ये ठंडा होने लग गया मेरा, सही टाइम है सोच रहा हूँ मैं तो, क्योंकि ना आगे और ठंड होगी, स्नो गिर रही है और ऊपर मौसम भी है तो स्नो बारिश मिलनी ही मिलनी है। क्यों भाई? सो गाइस वी आर एट द खार डुंगला टॉप और भाई कुछ इस तरह का नज़ारा है बढ़िया, कुछ भाई बर्फ पे मजे कर रहे हैं। आई थिंक फ्रेश स्नोफॉल नहीं है ये, बट मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है। दिस इज द टॉप द खार डुंगला, लुक एट द व्यू यार, बहुत हवा चल रही है भाई, थोड़ा आगे जा रहा है भाई को ताकि पास ले जाए। बाकी जो नज़ारा है बहुत ही अल्टीमेट नज़ारा है यार, इधर पहाड़ों में धूप आ रही है, इधर बहुत ठंडी हवा है, बहुत चिल भाई, निंजा लेके आए हुए, इट इज़ जस्ट अमेजिंग अमेजिंग वन, दिस इज द टॉप क्रॉसिंग खार डुंगला, लुक एट दैट व्यू यार, जस्ट अमेजिंग, मतलब फुल ऑन अमेजिंग। यार गेयर नंबर 2 पे डालने क्या होता है कि मतलब गाड़ी बड़ी तेज़ चल रही हो रही है या फिर यहाँ के हिसाब से लग रहा है आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो मैं बाइक को गेयर नंबर 1 में रख रहा हूँ ताकि गाड़ी पहले कंट्रोल चले, क्योंकि भाई स्पीड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कंट्रोल करना स्पेशली इन दीज एरियाज। बाकी बर्फ़ पिघल रही है, पानी बह रहा है और यार ये तो भाई समर्स है, मतलब जुलाई चल रहा है, पीक समर्स हो गए अपने नॉर्थ इंडिया के तो, और यहाँ देखो भाई अलग ही नज़ारे हो रहे हैं, हल्की हल्की धूप आ रही है, बीच बीच में हल्का हल्का स्नोफॉल भी हो रहा है और नज़ारे जो हैं वो मतलब दिलकश। बाकी भाई भाई तो लोकल है, ओवरटेक करना बनता है इनका, दिन में आई थिंक 4 चक्कर काटते होंगे इस पास से, इस व्यू से, तो इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। बाकी जो हम जैसे लोग हैं फर्स्ट टाइम आए हैं या फिर रेगुलर बेस पे नहीं आते हैं, कभी कभी जब जोश आता है तो घूमने निकलते हैं तब आते हैं, बहुत सावधानी होते हैं यहाँ पे। रोड भी ख़राब है एक्चुअली, रोड इसलिए ख़राब है बिकॉज यार यहाँ पे क्या होता होगा, जैसे बर्फ़ में पूरा पैक होता होगा ये राइट, तो बर्फ़ का जो बेस है वो यहाँ पे और पानी है नीचे, तो वो बनने नहीं दे रही होगी रोड, अदरवाइज़ मिलिट्री ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है कि हर जगह अच्छी रोड बना रखी है। अगेन अ जाम, सो अगर जहाँ जाम मिले वहाँ मिलता है मौका कि हम पहुँच पाए थोड़ा सा आगे, और जब मौका है तो क्यों ना उसको चौका मार दिया जाए। लुक एट सच व्यूज, गहरी खाई है बट मज़ारे बहुत प्यारे हैं, वहाँ पीछे घुमा दिया फिर एक इंस्टा स्टोरी तो हो जाए। अरे लड़की, ओ लड़की एक फोटो तो खैर दे या वीडियो बना दे, हाँ वीडियो ले ले, वीडियो अच्छा रहेगा यार, जूम आउट एंगल के अंदर पूरा घुमा दे, हाँ यूँ लेके घुमा के इस तरफ, मैं तो पीछे हूँ, आगे स्नो हो रही है क्लियर, दैट इज़ द रीज़न कि हम सब यहाँ रुके हुए हैं, और आगे आप देख सकते हो कितनी बाइकर्स हैं, मतलब बाइकिंग जो क्रेज़ है ना भाई टॉप पर जा रहा है, और जहाँ भी जाओगे JCB ज़रूर पाओगे वाला सीन है, JCB साफ कर रही है जो कि स्नो आ चुकी है रोड के ऊपर, और जस्ट आई थिंक 10 to 15 मिनट्स का वेट होगा यहाँ पे, एक ट्रैफिक पूरा रुका हुआ है पीछे, क्लियर होने के बाद ही क्रॉस कर पाएंगे। बाकी ठीक है, तब तक आप नज़ारे देखो, पूरी पानी वाली आई सकती है यार, स्किट भी हो सकती है, बाकी अच्छा नज़ारा आ रहा है, पैर तो स्किट हो रहे हैं, पैर टिक रहे नहीं नीचे क्योंकि ब्लैक आइस है,
स्लोली स्लोली निकालनी है गाड़ी ताकि क्रॉस हो जाए, जितना स्लो हो सके उतना स्लो निकालनी है। बाकी पीछे रवि और वो आ रहे हैं, बाकी नाइस अच्छा एक्सपीरियंस है। बाकी लुक एट दैट व्यू यार, कंप्लीट एकदम वाइट स्नो पैक्ड, मतलब पैसा वसूल आने का मतलब जो है ना, थोड़ा ऑफ रोड है बट अमेजिंग। अभी भी बहुत कंट्रोल चल रहा हूँ मैं, गेट नंबर एक में हूँ, स्पीड 20 अराउंड है, 15-20 मिक्स है यार। कारें ओवरटेक कर रही है बट क्या है ना यार, जो नज़ारे हैं ना वो भी लिमिट पे चलना चाहिए, सो इसीलिए बस ये नज़ारे मैं आपको देखते हुए दिखा चल रहा हूँ, बिकॉज ये जो पीक है इसका अपना ही फन है। बाकी अगेन दोबारा टॉप, और भाई नज़ारे देखो यार, मतलब कुदरत का कमाल ही अलग है यार। आधी आधी शेड देख रखे हैं जो ब्राउन वाइट, और आगे आई थिंक मौसम दोबारा ख़राब है, बदल काफ़ी नीचे आ रखे हैं यार, कुछ ब्लैक पैचेस भी हैं, और इन मोड़ पे बहुत अच्छा है भाई, ये जो बर्फ़ का पानी है ना। सेफ्टी अपने हाथ में गाइस, एडवेंचर है मज़े दो बट विथ सेफ्टी, बिकॉज अगर सेफ्टी है तो ही मज़ा है इन चीज़ों का, तो ही आप मज़े ले सकते हो, बिकॉज अपना तो यही मानना है यार कि भाई सेफ्टी फर्स्ट, ऐसा ना हो कि भाई दोबारा आने लायक नहीं रहो या फिर यहाँ से घर पहुँचने लायक नहीं रहो, तो सेफ्टी पहले और नज़ारे तो अद्भुत है ही। कभी कहते ना नेचर इट इज़ बेस्ट, मतलब कुदरत तो कुदरत होती है और कुदरत के सारे रूप सुंदर हैं, और ये जो रूप है वो तो भाई इन वाले पहाड़ के बीच में ना एक ऐसी ग्लेशियर की लाइन बन गई है, मतलब वो आइस जम जम के बहुत ही शाइनी है, स्किनी हो चुकी होगी, बट आई डोंट नो आपको वीडियो में आ रहा है नहीं आ रहा, बट यहाँ से नज़ारे जो आ रहे हैं वो तो भाई पैसा वसूल है। भाई आइडिया में यही खाते लोग, दिक्कत है मैगी वैगी मिलनी है हर जगह, टी है, मैगी है, हॉट डॉग है और कॉफ़ी है। खा ले खा लो, लगाओ भाई आगे। जा रहे हैं नुब्रा वैली की और अराउंड 70-80 किलोमीटर दूर है, थोड़ी देर पहले हमने क्रॉस किया है नॉर्थ पोल और जस्ट अमेजिंग, टॉप के ऊपर कोई स्नो है, नीचे पूरा ब्राउन पहाड़ है, देन थोड़ी ग्रीनरी है, यार दिख रहा होगा आपको काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर, बहुत ही मस्त। तो गाइस कुछ काम चल रहा है आई थिंक जेसीबी का, रोड की खुदाई, रोड वर्क ऐसे थोड़ा क्रॉस कर लिया है, एक्चुअली क्या है ना बीच में यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है, रोड ख़राब है, रोड थोड़ी चौड़ी कर रहे हैं, ट्रेनें खड़ी है, जैसे देखा आपने पहले पीछे जेसीबी की मदद से पहाड़ काटे जा रहे हैं, रोड बनाई जा रही है, काफ़ी ट्रक चल रहे हैं, काफ़ी लोकल ट्रैफिक भी है, टूरिस्ट ट्रैफिक भी है, तो इस रिगार्डिंग काफ़ी इशू आ रहे हैं यहाँ पे, बट ओवरऑल द व्यू थैंक्स टू ऑल दीज वर्कर्स जो यहाँ पे काम कर रहे हैं और हमारे लिए अच्छी रोड बना रहे हैं। और मेन बात तो ये है यार कि मतलब यहाँ पे आओ ना तो मतलब फुल ऑफ थ्रिल है, फुल ऑफ एडवेंचर है, भगवान ना करे कितना कुछ हो यहाँ पे, बट भाई यहाँ पे आओ तो फुल प्रिपरेशन से आओ, अदरवाइज रिस्क बिल्कुल मत लो, क्योंकि जितने ये सूने पहाड़ है ना उतने ही रात थोड़ी डेंजरस हो जाएंगे, आसपास कोई नामो निशान नहीं है, जो वर्कर्स हैं वो ट्रक में बैठे चल जाएंगे जो उनके आसपास के गाँव हैं, बाकी
कि वेदर फॉर अ टूरिस्ट खाने से लेके पीने से लेके रहने तक की कोई व्यवस्था नहीं है इन रोड्स के ऊपर। अब ये देखो यार, कंप्लीट वैली है, वहाँ पे पूरा ऊपर टॉप पे काम चल रहा है और नज़ारे दिख ही रहे हैं आपको। बाकी रोड, ये रोड फिर ठीक है बट है कंप्लीट ऑफ रोडिंग यार, मतलब इन रोड्स के ऊपर रिस्क होता ही है। कल को बारिश हो जाए तो पानी के कारण रिस्क है। देखो जहाँ डामर है पक्की रोड है उसको जवाब ही नहीं, और बाइकों की मतलब ठीक है जो बंदे रेंटेड लेके आ रहे हैं उनके लगवाते हैं, बाकी जितनी पर्सनल बाइक है जो कुछ मेंटेन कर रहा है उन सब पे इश्यू होता है, बट बाकी नज़ारे देख रहे हैं ब्यूटीफुल वैली, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं भाई, सुंदर और ख़तरनाक पहाड़ है, बड़े सुंदर, बहुत ही प्यारे हैं। मन कर रहा है रुक जाएँ यहाँ पे थोड़ा देखें निहारें इनको, बट भाई शाम होने से पहले पहले, दिन ढलने से पहले पहले निकल लो इन पहाड़ों से, बेस्ट वही है। थोड़ा सा भी रिस्क हुआ तो टेंशन हो सकती है, रिस्क लेना है नहीं, जब स्पेशली छोटे भाई साथ में आ रहे हो तो बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है।